नमस्कार, अब खबर रोहतक से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोड शो के दौरान पूर्व सीएम हुड्डा पर साधा निशाना। अनुभव को लेकर गलत फहमी में न रहे विपक्ष। विपक्ष दलों के पास था सत्ता को दुरुपयोग करने का अनुभव। विकास के नाम पर लगाई गई बाप दादाओं की प्रतिमाएं। कहा, बीजेपी सरकार विपक्षी सरकारों के समय बेची जाती थी नौकरियां, उद्योग को रूपए ले चुके हैं तबादले। भाजपा में व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि कमल लड़ता है चुनाव। सीएम ने स्पष्ट किया, करनाल में ही लड़ूंगा चुनाव। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भले ही सत्ता संचालन करने का अनुभव कम हो, लेकिन समाज सेवा व भाजपा संगठन में काम करने का उनके पास 40 साल का अनुभव है। यह बात श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज अपने रोहतक रोड शो के समापन के अवसर पर साए सुभाष रोड पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में जहां उनके पास 14 वर्ष का समाज सेवा का अनुभव है, वहीं उन्होंने वर्षों तक भाजपा के संगठन मंत्री के रूप में काम करते हुए राजनीतिक कार्य का अनुभव भी प्राप्त कर रखा है। उन्होंने दावा किया कि समाज सेवा के क्षेत्र में उनके पास पीएचडी की डिग्री है। उन्होंने कहा कि यह बात एकदम सही है कि वे पहली बार चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। पहली बार ही विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया और पार्टी संसदीय बोर्ड ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को शायद आज इस बात की गलत फहमी थी कि उन्हें राजनीतिक अनुभव नहीं है। रोहतक से चैनल लाइव के लिए अजमेर टंडन की स्पेशल रिपोर्ट।